हेलो विवास, इस वीडियो में हम लोग सुमित्रानंद पंत की अनुभूति नाम की जो कविता है इसके व्याख्या देखने की प्रयास करेंगे। तो आप लोग जानते हैं सुमित्रानंद पंत पहले छायावादी कवि रहे हैं, उसके बाद प्रगतिवादी बने हैं, फिर उसके बाद अरविंद दर्शन के साथ वो अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर उसी के हिसाब से वो कविता रचना करने लगे। तो ये जो कविता है ये कविता बहुत ही सुंदर है। कवि की जो जीवन है, हमारे मनुष्य की जो जीवन है, इस जीवन में हमेशा कुछ चलते चलते विभिन्न प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो कवि को भी ऐसा ही हालत है। और आप लोग जानते हैं कि सुमित्रानंद पंत अकेले रहे हैं और उस स्थिति में किस प्रकार की अनुभव कवि को स्थितियों के साथ साथ हालत के साथ साथ सामना करना पड़ा, उसका जो अभिव्यक्ति है इस कविता से हमें वो दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता में व्यक्तिक अनुभव का जो अभिव्यक्ति है वो दिखाई देता है। ये जो अनुभूति है उसकी व्यक्तिक अनुभूति है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तुम आती हो नव अंग का शाश्वत मधु विभक्त लुटाती हो। हाँ, कवि का जो जिस स्थिति में वो रहता है, उस हालत में जब वो पड़े हुए रहता है, तब उसका जो अनुभूति है वो किस प्रकार से आती है और उस हालत के साथ, उस स्थिति के साथ किस प्रकार से वो घुल मिल जाती है, उसका जो दशा है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में वही बात है। तुम आती हो नव अंग का शाश्वत मधु विभक्त लुटाती हो। हाँ, वो किस स्थिति में पड़े हुए हैं और उस स्थिति में उसका जो अनुभूति है वो नव अंग का नई दिशा को लेकर उसका अनुभूति का आगमन होता है। क्या है कि कवि जब किसी स्थिति में, किसी हालत में पड़े हुए रहता है, तो उस हालत में कवि पड़े रहते हुए उस समय क्या होता है, उसका अनुभूति का आगमन होता है और उसका अनुभूति क्या है कि नई किसी दिशा को, नई किसी भावनाओं को, नई किसी दशा को लेकर उसके सामने या उसके मन में आगमन होता है। मतलब उसका अनुभूति किसका प्रतीक है, इसमें किस नए, किसी और जो पहले था वो नहीं है, पहले जैसा था उसमें कुछ नएपन, कुछ परिवर्तन लाने के लिए उसका अनुभूति का क्या होता है, आगमन होता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बसते निश्चर नुपुर छम छम छंस में थमता स्पंदन क्रम, तुम आती हो अंतस्थल में सुबह जला लिपटाती हो। क्या है, वस्त्र निश्चर नुपुर छम छम, इसमें मानवीकरण किया गया है। जिस प्रकार से लड़कियां, स्त्रियां चलते चलते उसकी पैरों की जो नुपुर है, उसकी जो आवाज है वो छम छम की आवाज, मतलब लड़कियां किसी जगह से आने लगती है, जाने लगती है, मतलब उसके आगमन में क्या होती है, उसको उसके पैर में जो नुपुर होता है, उसकी जो छम छम आवाज है वो हमें सुनाई देता है, ठीक है। उसी प्रकार से लेकिन ओ लड़कियों की, स्त्रियों की, महिलाओं के पैर की नुपुर क्या होता है, वो सर के साथ छमछम आवाज हमें सुनाई देता है, लेकिन क्या है अनुभूति की जो पैर है, उसकी जो नुपुर है वो निश्चर है, ठीक है। वो बस जिसके मन में उस अनुभूति का आगमन हो रहा है उसी को ही पता है, दूसरे किसी को उसके बारे में नहीं मालूम, ठीक है। मतलब जो अनुभूति है उसके आगमन की जो आगमन से जो पैर की जो नुपुर है वो निश्चर है, उसमें कोई क्षर नहीं है, वो क्षर बस उसी को सुनाया जाता है जो उसका अनुभव कर रहा है, जिसको वो अनुभूति का उपलब्धि हो रहा है, बस उसी को उसका पता चलता है। तो इसलिए उसको क्या कहा है, निश्चर कहा है, ठीक है। अनुभूति आप किसी या में जिस स्थिति में आप पड़े हुए हैं उस स्थिति का अनुभव बस मुझे होगा, दूसरे को हम बताएंगे तभी उसका अनुभव उसका होगा, ठीक है। और इस स्थिति में हम किस प्रकार की अनुभूति हमारे मन में आते हैं, ठीक है, वो बस हमें ही मालूम है, वो दूसरे को नहीं मालूम, मतलब इसलिए वो क्या है, निश्चर है, अनुभूति क्या है, निश्चर है। इसलिए सांस में थमता स्पंदन कम, तुम आती हो अंत स्थल में सुबह ज्वाला लिपटाती हो। क्या है, बसे निश्चल नुपुर छम छम सांस में थमता स्पंदन कम, तुम आती हो अंत स्थल में सुबह ज्वाला लिपटाती हो। हा? और जो निश्चर के रूप में नुपुर को समझते हुए जो अनुभूति का आगमन होता है मन में, तो
वो क्या करता है, छांस में थमता स्पंदनम, उसका जो छांस है, उसका जो षष्ठ प्रकाश है उसमें क्या होता है, उसका स्पंदन होता है, उसमें उसका आगमन से, अनुभूति के आगमन से उसका जो छांस है, षष्ठ प्रकाश है, या उसका जो भावना है, जिस स्थिति में वो अब है उसमें क्या होता है, कुछ कंपन हो जाता है, उसमें वो सो लेता है। किस प्रकार से सो लेता है कि इस समझ लीजिए कि एक प्रकार की भावना में वो डूबे हुए हैं, तो उसका उस भावना में वो किसी और प्रकार की फिर किसी और प्रकार की भावनाओं में वो घूम जाते हैं। मतलब पहले किस प्रकार की स्थिति में था वो, उससे आप किसी और बात को सोचने लगे हैं, मतलब उसमें कुछ बदलाव की जो भावना है वो इसके बारे में कभी समझना चाह रहे हैं। हाँ, बस अनुपुर निखर थमसम छांस में थमता स्पंदन क्रम तुम आती हो सस्त स्थल में सुबह जला लिपटाती हो। हाँ, और क्या होता है, कवि के मन में जब वो अनुभूति का आगमन होता है, अंतस्थ स्थल में, मन में, मतलब जो दिखाई नहीं देता, कवि जिसको बस अनुभव कर सकता है, उपलब्धि कर सकता है, उसमें क्या होता है, उसका अनुभूति का आगमन होता है। अनुभूति दिखाई देने वाला चीज नहीं है, वो अंतस्थ स्थल में उसका उपलब्धि किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका अंतस्थ स्थल में, उसका मन में, उसके विवेक में, उसके भावना में अनुभूति का आगमन होता है, और क्या करती है, सुबह ज्वाला लिपटाती है, और उसके मन में जो भावना है, जिस हालत में वो पड़े हुए रहता है, उसमें उसका क्या होता है, उससे वो घूल मिल जाते हैं, सुबह ज्वाला लिपटाती है, उसके मन की जो भावना है उसमें वो क्या होता है, निपट जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम विभिन्न समय विभिन्न भावनाओं को लेकर हम लोग अकेला रह जाते हैं, और उस स्थिति के साथ मग्न होकर हम लोग जो रहते हैं ना, उसी भावना का इसमें चित्रण हुआ है। कभी भी इसी प्रकार से अकेला में रहता है, या किसी प्रकार की स्थिति में, आप खड़प स्थिति में वो पड़े हुए हैं, तो इसमें अब क्या होने वाला है, उसके अनुभूति का, उसकी आत्म अभिव्यक्ति का, अब अपना जो उपलब्धि है, कोई तो उसको समझने वाला है नहीं, समझ लीजिए वो अकेले है, तो उसको आप समझाने का जो कोई है समझाने के लिए, वो उसका क्या है, उसका अपना ही विवेक है, अपना ही भावना है, वो अनुभूति के तर्क उसमें अंतस्थ स्थल में क्या होता है, आगमन होता है, और उसकी भावनाओं के साथ वो लिपट जाती है, क्या है क्या नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है, उसी भावना में वो बैठे रहता है, और उसका जो अनुभूति है उसी के साथ ही वो चलते रहता है। उसके बाद देखिए आगे वाला क्या है, इसमें कोई अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से अपना जो अनुभूति है उसी के साथ वो आगे चलते हुए किस प्रकार से अनुभूति उसको सहाय करती है, प्रेरित करती है, कभी कभी उसी में खो जाती है अनुभूति भी, उसके साथ लिपट जाती है। इसी प्रकार की बात जो है व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है इस कविता के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। अपलक रह जाते हैं मनोनयन का पाते मर्म कथाना बचन। हाँ, जब हम जिस स्थिति में आवेग से हो किसी विषय पर मोह भंग होने से हो, हाँ, तो क्या है, जो स्थिति का हमारे मन में अभिव्यक्त होता है और हम दुखी बन जाते हैं, ठीक है, तो उस समय की जो मनोदशा है इसमें है, अपलक रह जाते हैं मनोनयन का पाते मर्म कथाना बचन। हाँ, जब हम किसी स्थिति में पड़े हुए होते हैं तब हम किसी और विषय के ऊपर बात नहीं करते, ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि जो अनुभूति का जो आगमन होता है वो कुछ नहीं बोलते, वो मन ही मन चुपचाप रहता है, अपलक रह जाते हैं मनोनयन। हाँ, जैसा है वो अपलक रह जाता है, मतलब किसी और विषय को वो देखता नहीं है, बस जिस विषय में, जिस स्थिति में वो पड़ा है उसी स्थिति में वो चलते रहता है। कब आते मर्म कथा न पचन, हाँ, मतलब इस समय में किसी और विषय को लेकर उसका जो अनुभूति होता है, हमारे जो अनुभूति होता है किसी और विषय को लेकर अब मन में चर्चा नहीं होता, ठीक है। तुम आती हो तंद्रिल मन में सपनों के मुकुल खिलाती हो, और इसी प्रकार की जो स्थिति में हम पड़े हुए रहता है, जिस भावना में हम पड़े हुए रहता है, उसी समय उसी अवस्था में हमारा मानसिक जो स्थिति है वो धीरे 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 डालते हुए रहता है। हाँ, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, जिस प्रकार से हम जब सुस्त है तब तक हमें नींद नहीं आता, जब तक हमारे दिमाग सुस्त रहता है तब हमें नींद नहीं आता, हमें नींद कब आता है, जब हमारा दिमाग सुस्त बंद कर देते हैं, ठीक है, तो मतलब तंद्रिल मन में,
मतलब जब हमारा जिस प्रकार से हमारा मन जब सुषुम्ना बंद कर देता है तब हमें नींद आते हैं, हम नींद के गोद में चले जाते हैं। उसी प्रकार से क्या है, जब कभी का मन चलते चलते कभी उस स्थिति में रहते रहते आगे बढ़ते जाते हैं, तो अब उसमें उसका जो अनुभूति है उसको जगाने के लिए उसमें इस प्रकार उसे बताने के लिए अनुभूति का आगमन होता है। तंद्रिल मन मतलब उसकी अन्न मनस्कता जब रहता है, अन्न मनस्कता जब रहता है मतलब जिस प्रकार से हम नींद में सपने देखते हैं, जब हम समझ लीजिए पॉइंट को, जब हम सूचना बंद कर देते हैं तब हम ये नींद आती है और नींद आने से हम क्या देखते हैं, सपना देखते हैं। तो इसमें कुछ बात अलग है। हाँ, उसका जो अनुभूति है ये अनुभूति बिना सार किए हुए, हाँ, बिना आवाज के ये आते रहता है। कवि की जो भावना है वो भावना में वो घुल मिल जाते हैं। तो उसके बाद उसकी जो अनुभूति है वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है, ठीक है। इस प्रकार से उसका अनुभव का अनुभूति का आगमन होता है। फिर तंद्रिल मन में सपनों का मुकुल खिलाती है मतलब इस प्रकार से उसका जो मन की जो हालात है, भावना की जो हालात है, जो स्थिति में वो पड़े हुए हैं उसी प्रकार से वो जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। इस प्रकार से उसका मन की हालत मतलब जिस प्रकार से हम सूचना बंद कर देते हैं तब हमें क्या आते हैं, नींद आते हैं, नींद में हम सपना देखने में लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से उसका मन की जो हालत है चलते चलते लास्ट तक चले जाते हैं, उस स्थिति के खराब स्थिति के चलते चलते लास्ट तक चले जाते हैं या दीर्घ समय तक उस स्थिति में वो पड़ रहे थे, तभी उसके मन ही मन उसके विवेक की कुछ जागृत भाव का अभिव्यक्त होता है। जैसे कि तंद्रिल मन में हा? मतलब वो स्थिति में वो अन्न मनस्क हो जाते हैं, तभी सडनली उसको इसका अनुभव हो जाता है और उसको खुद उसका जो अनुभूति है कवि को वो समझाने लगते हैं, मतलब हम सपनों के मुकुल खिलाते हैं। मतलब कवि को क्या चाहिए, किस लिए कवि ऐसा हुआ है, कवि की जो अनुभूति है इस अनुभूति को वो जगाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की बात इसमें है और कवि को जो प्रेरणा है उसके लिए उसका सपना दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है, जो हुआ है सो हुआ है, छोड़ो इसको, आप ये करना है। मतलब इस प्रकार से उसको नई दिशा दिखाती है इसमें, उसकी जो अनुभूति है उसको अनुभूति ने इसको क्या दिखाती है, नई दिशा दिखाते हैं। इसमें ये बात है मतलब समझ लीजिए कि वो जो दशा है कवि का या हमारा, हम भी खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम किसी स्थिति के शिकार हुए हैं, उस स्थिति में हम लोग बस उसी को लेकर सोचते रहे हैं। सडनली दीर्घ समय तक हम उसको सोचते रहे, सडनली हमारे मन में कुछ और भावनाएं हुए हैं कि भाई ये नहीं है, चलो इसको छोड़ो, हम अब ये करना है। हाँ, तो कभी कभी ऐसी हालात इसमें हुए हैं कि अपने जीवन की जो दशाएं हैं, जो स्थितियां हैं, इसमें अब वो अनुभूति के रूप में उसके विवेक उसको आके उसको नई किसी शिक्षा देती है, नई किसी दिशा दिखाती है, इसी प्रकार से सपनों के मुकुल खिलाती है। मतलब कभी को जो कारण है उसको लिए उसका जो अनुभूति है वो प्रेरित करती है। तंद्रिल मन का मतलब ये निद्रामग्न मन है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत समय तक वो भावना में वो पड़े हुए रहता है, तब उसका अनुभूति का संचार होता है कि और कितना देर तक आप इसमें पड़े हुए रहोगे, आपको तो ये करना है वो करना है। मतलब उस प्रकार की निद्रामग्न के समय में जिस प्रकार से हमें सपना आते हैं, उसी प्रकार से बहुत देर तक किसी विषय से हम लोग ग्रस्त जब रहता है, तब हमारे मन ही मन कुछ भावना का संचार होता है जो हमें उस खराब हालत से निकालने के लिए हमें मदद करता है, और हम उससे निकल कर किसी और काम या आगे कुछ करने के लिए हम लोग जागृत हो जाते हैं। इसी बात इसमें है। अभिमान अश्रु बनता जर जर अवसाद मुखर रस का निर्जर, तुम आती है अनंत शिखर तान में जर उठाती हो। क्या है, अभिमान अश्रु बनता जर जर, अभिमान अश्रु बनता जर जर अवसाद मुखर रस का निर्जर, तुम आती हो अनंत शिखर प्राण में ज्वर उठाती हो। क्या है, अभिमान अश्रु बनकर जर जर, हम जब झुकी हो जाते हैं कभी कभी कि वो तो मुझे समझना चाहिए था, हाँ, लेकिन वो नहीं समझा, वो तो मैं जो कोशिश किया था, मुझसे जो प्रयास किया गया था, इससे तो वो सफल होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इसके लिए कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, क्या हमें जो जिसका जरूरत है
उसको ना मिलने से कभी कभी हम क्या होता है, अभिमानी हो जाते हैं, हम अभिमान करते हैं। तो अभिमान के मारे वो स्थिति के साथ हम रहते रहते हमारे आंसू से क्या निकालने लगता है, अश्रु निकालने लगता है, हाँ आंसू निकालने लगता है। अवसात मुखर रस का निर्जर, हाँ, और मन की जो दशा है वो मन की दशा अश्रु जैसे रस के रूप में बदल कर वो निर्जर जैसा वो बहने लगता है, निर्जर की तरह स्ट्रीम जो होता है ना वो पानी हमेशा बहता रहता है। तो उसी प्रकार से हम किसी विषय को लेकर जब अभिमान करते हैं तो हमारे आंसू से आंसू निकलने लगता है और आंसू किस प्रकार से बहने लगता है, निर्जर जैसे बहने लगता है। और इसी प्रकार से क्या है उसका जो इसी स्थिति में उसका क्या आती है, उसका जो अनुभूति है उसका अनुभूति का आगमन हो जाती है। और आगमन आनंद शिखर, आनंद की उस बात्रा को लेकर उसका अनुभूति का क्या होता है, आगमन होता है। क्या है, जब किसी प्रकार की अभिमान से किसी प्रकार से वो अभिमानी हो जाता है और अभिमान से उसका आंसू से आंसू निकलने लगता है, निर्जर जैसे वो आंसू बहने लगता है। तो अभी उसी स्थिति में क्या होता है, उसका जो अनुभूति है अनुभूति का आगमन होता है। और वो अनुभूति क्या लाता है उसके लिए, कुछ नई कुछ लेते हैं आनंद शिखर जैसा, कि अब ये नहीं है, रोना बंद करो, आंसू बहना बंद करो, आपको ये करो वो करो, मतलब सोल्यूशन समाधान के लिए कुछ उसका जो अनुभूति है, अनुभूति इसमें किसके प्रतीक के रूप में हमें दिखाई देता है, समाधान के रूप में। जिस स्थिति के साथ वो जिस स्थिति को वो सहन कर रहा है, जलता रहता है, उस खराब स्थिति का जो सोल्यूशन है समाधान के रूप में उसका अनुभूति का आगमन होता है इसमें, ठीक है। आनंद शिखर कान में जार उठाती हो, और उसका क्या होता है, तो पहले जिस खराब स्थिति में वो बहते हुए चले तो उसका अनुभूति का संसार अनुभूति का आगमन होते ही उस स्थिति से वो बाहर आते हैं, क्योंकि उसका जो अनुभूति है वो आनंद लेकर, आनंद बात्रा लेकर, उसका नई प्रेरणा लेकर उसमें मन में आगमन होता है उसका अनुभव का अनुभूति का। इस प्रकार से उसका प्राण में क्या होता है, नई प्राणों का प्राण में जर उठाते, जर मतलब उस नई शक्ति का आविर्भाव हो जाता है, जिसके वजह से वो जिस स्थिति से वो जेल रहा था उससे वो मुक्त हो जाता है और नई किस पाने के लिए वो अग्रसर हो जाता है। मतलब उसका अनुभूति हमेशा उसको मदद करने के लिए ही उसके पास उसका अंतस्थल में आने लगते हैं, उपलब्धि होने लगता है, मतलब उसका विवेक की उदय होने लगता है कि ऐसा नहीं है ऐसा करो, ठीक है। फिर देखिए स्वर्णिम प्रकाश में डलता तम, स्वर्गिक प्रकृति में डलता तरंग, क्या है, जिस प्रकार से स्वर्णिम प्रकाश में गलता तम, मतलब जिस प्रकार से स्वर्ण गोल्ड जो उत्तप देने वाला जो चीज होता है, चाहे वो अग्नि हो चाहे सूरज का रश्मि हो, उसका जो उज्ज्वलता है, उज्ज्वलता मतलब ताप देने वाला उत्तप की जो सोर्स है वो उससे क्या होता है, बहुत सारे पदार्थ गल जाते हैं। उसी प्रकार से क्या है, कोई की जो दुख दशाएं हैं, जो खराब दशाएं हैं अकेलापन की हो या जीवन को आगे चलते हुए जिन जिन स्थितियों का सामना करना हो, उस प्रकार की जो स्थिति है उस स्थिति को गल का कम जैसा वो बताया है। जिस प्रकार से कुछ पदार्थ अग्नि हो या सूरज की रोशनी हो, मतलब प्रखर ताप में वो क्या आ जाता है, पिघल जाते हैं, उसी प्रकार से उसका जो अनुभूति है स्वर्णिम प्रकाश के समान है, जिससे क्या होता है उसका जो दुख दर्द हो, जिससे वो प्रेरित हो रहे हैं वो गल जाते हैं, और उसको क्या करते हैं, स्वर्गिक प्रतिति में गलता क्रम, स्वर्ग से स्वर्गिक हुआ है इसमें, तो उसका जो अनुभूति है वो अनुभूति क्या है, स्वर्गिक प्रतीत में डलता क्रम, और उसका जो अनुभूति है उसका अनुभूति ने क्या करते हैं उसको उस अच्छा लगने वाला, जो कवि को अच्छा लगे, जिसके लिए कवि के मन में अच्छा का अनुभव हो सके उसमें बदल देता है। अब तुम आती हो जीवन पथ पर सुंदर बढ़ाती हो, और इस प्रकार से कवि के जीवन में क्या आती है, अनुभूति का आगमन होता है। जीवन पथ पर चलते चलते जिन जिन प्रकार की जो स्थिति का सामना करना पड़ा कवि को, उन स्थितियों उन
स्थितियों का समाधान के रूप में हमेशा जीवन पथ पर उसको सहायता के लिए किसका आगमन होता रहता है, अनुभूति का। ठीक है, तो सन्निम प्रकाश में मतलब जिस प्रकार के अग्नि या सूरज की या उस अग्नि जैसी जिस तप देने वाले जो छोर्स होता है, उच्च होता है, उच्च क्या होता है, कुछ पदार्थ गल जाते हैं, उसी प्रकार से कवि की जो अनुभूति है उस अनुभूति के वजह से क्या होता है, उसकी जो स्थिति होता है खराब स्थिति जीवन में आने वाला उसका क्या होता है, पिघल जाता है, मतलब उच्च कवि को मुक्ति देता है और उसका मन किस ओर ढाल जाती है, स्वर्ग प्रती प्रतीति में डलता श्रम और अच्छा एहसास कर सकने वाला जिसके लिए कवि को अच्छा लागे हा? उस प्रकार की कार्य के लिए उसकी जो अनुभूति है उसे प्रेरित करते हैं। ठीक है, क्यों आती है जीवन पथ पर संदर्भ जीवन पथ पर संदर्भ बर्फ बरसाती हो और इस प्रकार से कवि की जो अनुभूति है वो अनुभूति ऐसे ऐसे आते रहता है, मानो कि संदर्भ बरस रही है। जिस प्रकार से पानी की बूंद से बारिश होता है उसी प्रकार से कवि की जो खराब स्थिति है उस खराब स्थिति में अनुभूति के आगमन से विवेक की जो भावना है, तर्कशीलता जो है कवि का, वो तर्कशीलता कवि के मन में किसका सृजन करता है, उस बारिश जैसा, जिस बारिश जिस प्रकार से पानी के बूंदों से बारिश होता है उसी प्रकार से कवि के मन जीवन पथ पर चलते चलते जो जो खराब स्थिति का सामना करना पड़ा उन स्थितियों में अनुभूति का आगमन होता है और आगमन उसके लिए क्या लाते हैं, सौंदर्य बरस बरसाती मतलब अच्छा लगने वाला, कवि को जो कार्य करना है उस कार्य में प्रेरित करने वाला, सौंदर्य से भरे हुए अनुभव से उसको भर देते हैं। ठीक है, सौंदर्य रस बरसाती है मतलब अनुभूति आने का मतलब कवि के लिए क्या है, मतलब वो कुछ ना कुछ नई कुछ करने के लिए उसमें सौंदर्य डाल देगा। जिस प्रकार से पानी की बूंद से क्या होता है, बारिश होता है, उसी प्रकार से अनुभूति आने से उसको क्या मिलती है, इस प्रकार से सौंदर्य मिलता है। जिस सौंदर्य का बारिश हो जाता है मतलब इतना कुछ मिल जाता है अनुभूति के आगमन से कि कवि आगे बहुत कुछ अच्छा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, ये बात इसमें है। डाकता छाया वन में मरमर कम उड़ती रुद्र स्पृहा थर थर, तुम आती हो उर्द पंक्ति में सर मधुर व्यथा भर जाती है। डाकता छाया वन में मरमर, देखिए जिस प्रकार जहाँ खाली जगह में तो वन जंगल या नहीं होता, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होता है, में इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे है, में थोड़ा बहुत हवाएं चल रही है, इसमें भी पेड़ पत्ते का आवाजें निकल रही है, तो इसका अनुभव कीजिए कि जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, जो हवा चलने से जो पेड़ पत्ते में मरमर आवाजें निकालते रहता है। ठीक है, हाँ हाँ, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होता है हवा चलने की वजह से क्या होता है, उन पेड़ पत्ते बहुत कुछ गिर जाते हैं या तो किसी प्रकार से हवा बहने से उसमें क्या आते हैं, मरमर आवाजें सुनाई देने लगते हैं। हाँ, उसी प्रकार से कम उनकी रुद्र स्पृहा थर थर, हाँ जिस प्रकार से पेड़ पत्ते जहाँ पे होता है छाया जब तक छाया वन में मरमर, जिस प्रकार से जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होता है उसमें छाया रहता है, उस छाया का भी हमेशा क्या होता है, हमेशा जगता छाया मतलब जो छाया हमेशा सूरज की रोशनी की वजह से हमेशा स्थान को बदल कर लेता है। पूर्व सूरज अगर पूर्व दिशा में है तो पेड़ का जो छाया है पश्चिम दिशा पे रहता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर रहता है सूरज तो उसका जो छाया है वो पूर्व दिशा की ओर ढाल जाते हैं। तो इसी प्रकार से फिर हवा चलने से जो पत्ता है ये पत्ता हल से जुलते हैं तो उसमें क्या होता है, मरमर जैसा आवाज निकालने लगती है। इसी प्रकार से कवि के कंप उनकी रुद्र स्पृहा थर थर, और कवि की जो चाहत है, कवि की जो दशा है, हाँ उस दशा में उसका जो कवि की जो स्पृहा है, इच्छाएं हैं, वो कभी कभी क्या हो जाता है, थर थर कांपने लगती है। देखिए कवि की जो गोती है, जीवन की जो गोती है, हमारे मनुष्य की जो जीवन की जो गोती है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा आता है तो कभी बुरा आते हैं, हाँ हमेशा एक जैसा नहीं रहता,
जो स्थिति है जीवन का, इसी प्रकार से क्या है, कम और की रुद्रस्थिति यथार्थ। हमारे जो तहत होता है, हमारे जो जीवन का गति होता है, यह भी हमेशा एक जैसा नहीं चलता, यह भी हमेशा थर थर मतलब इधर उधर होता ही रहता है। हाँ, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी खुशी तो कभी गम, इस प्रकार की बात है ना। तो इस प्रकार की बात इसमें है। तो क्या है, जब तक है वन में मर्म, जिस प्रकार से छायादार वन जो होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होता है, उसमें उसके जो पत्ते होता है वो हवा चलने से क्या होता है, वो मर्म आवाजें निकालने लगता है। तो हमारा जीवन भी क्या है, तो आगे चलते चलते अच्छे बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। जिंदगी के जो अनुभव है वो सबको है, तो अच्छा बुरा हमारे जीवन में आते रहता है। तो इसी प्रकार से अच्छा हमारे जो कम उनकी उद्देश्य हथर्थ, हमारे जो तहत है, हमारी जो जरूरत है, उसमें भी इसमें क्या होता है, हमेशा थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। तो इसी प्रकार से तुम आती हो तंत्र में, और उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से उसके मन में क्या आती है, तंत्र में। तंत्र ये क्या है, ये वाला जो नली है, स्वर मधुर व्यथा भर जाती है। और इसी प्रकार से क्या है, स्वर मधुर व्यथा भर जाती है। जीवन को चलते चलते कभी कभी क्या होता है, व्यथा स्वर मधुर व्यथा भर जाती हो। और इस प्रकार की जब आवाज की जब बात आ रही है, तो कभी कभी अनुभूति के आगमन से कभी कभी उसको क्या होती है, व्यथा से भी अनुभूति जो है वो कभी कभी भर भी जाते हैं। देखिए जो अनुभूति है, अनुभूति कभी 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 का खराब स्थिति में उसको साथ देती है, कभी कभी उसको अनुभूति ने उसको खराब स्थिति से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है, उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और कभी कभी क्या होता है, उसका जो अनुभूति है उसके छात छात दुखी हो जाती है, मतलब नीचे वाला जो है। जिस प्रकार से बन के पेड़ पौधे की पत्ते हाथ चलने से मर्मर आवाजें देती है, उसी प्रकार से उसका जो जीवन की जो गति पथ है हमारा, वो भी कभी कभी इधर उधर हो जाती है। तो इस स्थिति में अनुभूति का आगमन होता है, तुम आते हो उर्तंत्री में, तब क्या होते है, उसका जो अनुभूति है, अनुभूति का आगमन होता है, सर मधुर व्यथा भर जाती है। और इसका जो आवाजें है, जिस प्रकार से हम कभी कभी व्यथित होने से हमारे आवाज रोते हुए या इस प्रकार की स्थिति में रुक रुक जाती है, व्यथा ग्रस्त विषादग्रस्तता से हम ग्रस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी वही बात है कि उर्तंत्र में कभी कभी जब दुखी रहता है, कभी अकेलापन से अपने जिंदगी को गुजारना पड़ा ना पंत जी को, तो उसी का अनुभूति ये है। ठीक है, तो किस प्रकार से खुद को खुद के जीवन में उड़ते गिरते जिन स्थितियों का सामना करना पड़ा सुमित्रानंद पंत, उसका अनुभूति ये कविता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब व्यथित हुआ, तो इसी प्रकार से वो उसका अनुभूति उसको सहारा के रूप में उसके सर में व्यथित हो जाती है कवि के साथ। इस प्रकार से हमेशा इसका जो अनुभूति है, कभी अपने प्रेस ही जैसा है समसम। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर एक जगह पे हम लोग देखे हैं समसम पेड़ की नूपुर जैसा। तो जिस प्रकार से प्रेस पंच के जीवन में, तो स्त्रिया अपनी पत्नी नहीं रही, वो तो शादी नहीं किया था, तो इस प्रकार से अपने अनुभूति ही उसके जीवन के उसके साथी जैसा रहे हैं। जिस प्रकार से वन में हाथ वो पेड़ पत्ते मरमर आवाज उठाती है, उसी प्रकार से उसके जीवन में उठाव चढ़ाव रहते हैं हमारे मनुष्य जीवन में। तो उस स्थिति में जब वो व्यथित रहता है, तो उस स्थिति में उसका अनुभव आ जाते हैं, और उसके जो तंत्र है उस स्वर में वो अनुभूति ही स्वर मधुर व्यथा भर जाती हो। और उसी प्रकार से वो उसमें भर जाते हैं। तो मतलब जो उठाव चढ़ाव है जीवन का, जीवन के जो पथ है उसको चलने में, अच्छा बुरा ये जो अभिव्यक्ति है, ये उसका जो अनुभूति के माध्यम से इसमें अभिव्यक्ति क्या है। ठीक है, तो ये जो कविता है, व्यक्तित्व की जो अभिव्यक्ति है, इस कविता के माध्यम से हमें मिला है, बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।